Yes. Nice perfume. $24,36,000. कभी आचार कभी अगरबत्ती, नाक बंद है या बुलंद है। अक्षय कुमार की कॉमेडी वाली फिल्मों का नाम लिया जाता है तो उनमें सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है हाउसफुल। अभी तक हमें हाउसफुल फ्रेंचाइजी के 4 पार्ट देखने को मिल चुके हैं और अभी तक सभी लोग इसके 5वें पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले फिल्म के 5th पार्ट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में हमें फिल्म का कोई अनाउंसमेंट टीजर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिल्म को लेकर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन अब हाउसफुल 5 को लेकर ये क्लियर हो चुका है कि ये फिल्म हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। सुनने को मिल रहा है कि अभी फिल्म की राइटिंग पर काम चल रहा है, जिसे 2023 के लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद 2024 के स्टार्टिंग में ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी और 2024 में दीपावली के मौके पर हमें ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। यानी कि अभी हमें हाउसफुल 5 मूवी को देखने के लिए 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाउसफुल 5 मूवी के आने के चक्कर में अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 2024 में अक्षय कुमार पूरी तरह से कमबैक करने के लिए तैयार है। एक तो अक्षय कुमार की काफी बड़े बजट की फिल्म छोटे मियां बड़े मियां आने वाली है और अब हाउसफुल 5 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि हेरा फेरी 3 भी हमें 2024 के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। अब खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि दोनों में से हमें कौन सी फिल्म 2024 के लास्ट में देखने को मिलेगी। वहीं बात करें हाउसफुल 5 मूवी की कास्टिंग की, तो हमें पिछली वाली कास्टिंग ही देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसको लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। पर फिल्म में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख का नाम सामने आ रहा है। इनके साथ हमें फिल्म में पूजा हेगड़े, कृति सैनन जैसे और भी कई बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो अब की बार फिल्म के डायरेक्टर को भी चेंज कर दिया गया है। अब की बार हाउसफुल 5 को तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। तरुण मनसुखानी इससे पहले भी कई कॉमेडी फ्रेंचाइजी बना चुके हैं, इसलिए इस बार हाउसफुल 5 की कमान उनके हाथों सौंपी गई है। और आपको बता दें कि हाउसफुल 4 को फराहत समजी के डायरेक्शन में बनाया गया था, लेकिन फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन फिल्म ने 200 करोड़ तो कमा ही लिए थे, इसलिए अब फिल्म के डायरेक्टर को बदल दिया गया है। अब देखना यह होगा कि तरुण मनसुखानी फिल्म में कौन सा जादू करते हैं, और फिल्म में अक्षय कुमार हैं तो फिल्म में हमें कॉमेडी का तड़का तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा ही। लेकिन अभी इस फिल्म के लिए हमें 2024 दीपावली का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात करें हाउसफुल 5 के बजट की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े स्टार हैं, इसलिए फिल्म का बजट बड़ा है। सुनने को मिल रहा है कि हाउसफुल 5 का बजट अब की बार 100 करोड़ से भी ज्यादा का है और आने वाले समय में हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।